पटना सिटी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले में शहीद 16 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए महाकाल युवा संगठन पटना सिटी ने हाजीगंज से एक कैंडल मार्च निकाला, जो शहीद भगत सिंह चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस कैंडल मार्च में करो युवाओं के जत्थे भारत माता की जय नारे के साथ चल रहे थे। ये आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में नक्सलियों द्वारा जो कायराना हमला किया गया है, जिसके वजह से हमारे देश के 16 वीर जवान, भारत माता के जवान, वो शहीद हो गए। इस कायराना हमले की मैं घोर निंदा करता हूं, और ये इसे मैं भारतीयता पर, भारत माता के अस्तित्व पर और अस्मिता पर जो है हमला के तौर पर देख रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर चौकीदार से, रक्षा मंत्री सीतारमन जी से, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं जानना चाहता हूं कि वो हमारे सेना के सुरक्षा के लिए, हमारे सेना के ऊपर हमला होने वाले जो प्रयास है उसको रोकने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। लगातार हमारे सेना पर जो हमला हो रहा है और हमारे सेना जो है वीरगति को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ महाकाल युवा संगठन की तरफ से मैं मांग रखता हूँ कि इस तरह के नरभक्षियों के खिलाफ सरकार कड़ा से कड़ा कानून का प्रावधान लाए, और जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत ऐसे देशद्रोहियों को सजाए मौत देना है, इसकी मैं पूरी वकालत करता हूं, और ऐसे कुकर्मियों को, ऐसे नरबच्चियों को मैं सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय महाकाल। नाम बताइए। कन्हाई पटेल, संयोजक महाकाल युवा संगठन। वहीं भगत सिंह चौक पर कैंडल मार्च इस सभा में तब्दील हो गई। एंकर ज्योत्सना कुमारी के साथ न्यूज कैम 24। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।